हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है टाटा मोटर्स में, उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और हम देखेंगे कि इसका मंडे के दिन कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहले तो जो नए व्यूअर्स है जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके फ्रेंड्स। चलिए हम देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन इसका परफॉर्मेंस कैसा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने क्लोजिंग दी थी 336 रुपीज़ 80 पैसे की क्लोजिंग दी थी। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 3.42% की जो है इसमें तेज़ी देखने को मिली फ्रेंड्स। काफ़ी वॉलेटाइल था ये पर्टिकुलर शेयर फ्राइडे के दिन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ओपन हुआ था 325 रुपीज़ 15 पैसे, ये हाई लगाया था 336 रुपीज़ 90 पैसे, जो कि लगभग 10 रुपये 11 रुपये का जो है इसमें तेज़ी देखने को मिली फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छा परसेंटेज है फ्रेंड्स। और ये लो लगाया था 324 रुपीज़ 25 पैसे पर लो लगाया था फ्रेंड्स। चलिए हम NSE के वेबसाइट पे देख लेते हैं कि इसका कारोबार कैसा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 4,12,78,000 की जो है इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और इसमें डिलीवरी उठाई गई है 1,26,00,000 की जो है इसमें डिलीवरी उठाई गई है फ्रेंड्स। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 30.53 की जो है इसमें डिलीवरी उठाई गई है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। और अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मे 2021 सेल एनालिसिस, नेक्सॉन पोस्टेड 933% ग्रोथ। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा के शेयर होल्डर्स के लिए और टाटा कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें सेल में जो काफ़ी ग्रोथ दिखाई दी है करके बता रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्सॉन पोस्टेड 933% ग्रोथ, जो कि बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंड्स। चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस था फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रेसिस्टेंस के पास आके रुक गया है टाटा मोटर्स, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, उसे टेस्ट करके गया है फ्रेंड्स। अगर ये 336 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि उसमें एक दोबारा से एक बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। अगर ये नेगेटिव होता है, 333 334 के नीचे निकलता है, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। अगर हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। MACD जो है पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि RSI भी जो है पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। विलियम परसेंटेज थोड़ा एक कंसर्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ओवरबॉट की जोन में एंटर कर चुका है फ्रेंड्स। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉशियस होकर इसमें एंट्री कीजिएगा ताकि आप लॉस में ना निकल सके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए था। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।